आज के पाठ का शीर्षक है अज्ञेय व्यक्ति स्वातंत्र के कवि। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप अज्ञेय की काव्य रचनाओं से परिचित हो सकेंगे, अज्ञेय की काव्य दृष्टि को ग्रहण कर सकेंगे। अज्ञेय के काव्य में प्रकृति, प्रेम तथा करुणा की अभिव्यक्तियों से अवगत हो सकेंगे। अज्ञेय के काव्य में मनुष्य के अस्तित्व के विविध आयामों से परिचित हो सकेंगे। अज्ञेय के काव्य की रूप सज्जा का आस्वाद ले सकेंगे। अज्ञेय आधुनिक हिंदी कविता के अप्रतिम कवि हैं। वे प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने रचनात्मक व्यक्तित्व के माध्यम से हिंदी की परंपरागत काव्यधारा को न केवल प्रभावित किया अपितु उसे व्यापक स्तर पर परिवर्तित भी किया। अज्ञेय ने अपने अन्वेषण चिंतन, मनन अध्ययन और अनवरत नए प्रयोगों के द्वारा छायावादी कविता की वायवीयता और प्रगतिवादी कविता की एक रस और कुछ हद तक सपाट बयानी से अलग कविता को मनुष्य की सहज वृत्तियों से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया। उन्होंने सन 1943 में तार सप्तक का संपादन किया, जिसके साथ ही हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। यद्यपि वह बार बार कहते रहे कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता, तथापि उन्हें प्रयोगवादी और प्रयोगवाद का प्रस्तोता माना गया। कदाचित यही विचार सूत्र उन्हें प्रयोग धर्मी बनाता रहा और हिंदी कविता का एक पूरा दौर उनकी इस धारणा से प्रभावित हुआ। तार सप्तक की भूमिका में राहों के अन्वेषण की जो मानसिकता प्रकट हुई, उसने भी हिंदी काव्य में प्रयोगशीलता और वैचारिक स्वतंत्रता की धारणा को बल दिया। विशेषतः ऐसी पृष्ठभूमि में जिसमें प्रगतिवादी विचारधारा एक ही मार्ग के अनुसरण पर बल दे रही थी। इसके बावजूद उन्होंने सप्तकों में कई प्रगतिशील कवियों को शामिल किया। अज्ञेय के काव्य संकलनों में प्रमुख हैं भग्न दूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, अरि वो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी के बांक पर परछाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। अज्ञेय एक स्वतंत्र चेता रचनाकार हैं। उनकी दृष्टि और तर्कशीलता निरंतर जागरूक रही है। वे पश्चिमी विचारधाराओं और आंदोलनों से अवगत रहे और प्रभावित भी हुए, परंतु उनका अंध समर्थन नहीं किया। इस दृष्टि से उनका रचनाकार व्यक्तित्व सर्वथा भारतीय रहा। उनकी मिथकीय और अंचलीय पृष्ठभूमि से जुड़ी कविताएं इस बात की साक्षी हैं। कविता के विषय में उनकी निजी मान्यताएं रही हैं, जिनके पीछे चिंतनशीलता और भारतीय संस्कार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। पाश्चात्य कवियों से भी उन्होंने प्रभाव ग्रहण किए हैं। ये प्रभाव केवल कविता तक ही सीमित न रहकर कथा कृतियों में भी झलकते हैं। अज्ञेय अपनी साहित्यिक यात्रा में जीवन के गहरे अर्थ की खोज में लगातार संलग्न रहे हैं। सैनिक, सैलानी, संपादक, कवि, कथाकार तथा छायाकार आदि उनके व्यक्तित्व के अनेक रूप हैं, जो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। बौद्ध चिंतन के प्रति उनका आत्मीय भाव और मौन को व्यवहार से भाषा तक समाहित किए रहने से भी यही प्रकट होता है। वस्तुतः उनकी कविताएं सौंदर्य बोध से युक्त एक व्यापक करुणा बोध से समन्वित हैं। दुख सबको माँझता है कि अनुभूति जो हरी घास पर क्षण भर में है, इसी का अंग है।
प्रकृति से अज्ञेय का अनन्य और आत्मीय लगाव रहा है। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी यात्राएं की थीं, गांव, जंगल, पहाड़, नदी, झील, सागर, चिड़िया आदि उनको हमेशा आकर्षित करती रही हैं। उनकी कविता का एक बड़ा हिस्सा प्रकृति से संबद्ध है। वह जब प्रकृति के बारे में लिखते हैं तो किसी बच्चे सा अनुरक्त हो जाते हैं। प्रकृति से उनका बहुत करीब का रिश्ता रहा है। प्रकृति के प्रति लगाव की यह पराकाष्ठा है कि वह अपनी मृत्यु से पहले पेड़ पर घोंसला बना रहे थे। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की दृष्टि में अज्ञेय की कविताओं में जो प्रकृति प्रेम है उसके मूल में भी वर्जनाओं से मुक्ति का प्रयास उपस्थित है। यह लगाव मुक्ति प्रकृति के साहचर्य में प्राप्त होने वाले ऐन्द्रिक सुख के कारण है। अज्ञेय प्रकृति की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं कि वे प्रकृति के बीच मुक्त जीवन का सुख, वन्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं। आदिम जीवन की गंध कवि मन को सहज भाव से आकर्षित करती है। यह नागर जीवन की भीड़ वाली संस्कृति, कुंठा, यांत्रिक दबाव और वणिक वृत्ति से अपनी निजता को समेटकर भागने का प्रयास है। प्रकृति प्रेम की दृष्टि से उनकी दुर्वाचल शीर्षक कविता अनूठी है। पार्श्वगिरिका नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आँख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊँगा भले ही बरस दिन अगणित युगों के बाद, क्षितिज ने पलक सी खोली तमक कर दामिनी बोली अरे या यावर रहेगा याद। एक अन्य कविता में वह कहते हैं कि मैं सोते के साथ बहता हूँ, पक्षी के साथ गाता हूँ, वृक्षों की कोपलों के साथ थरथराता हूँ। प्रेम का राग अज्ञेय की कविताओं का केंद्रीय भाव है। वह प्रेम की अनेक व्याख्याएं करते हैं लेकिन जब बहुत कहना होता है तब मौन ही ज़्यादा समर्थ संप्रेषण का माध्यम लगता है। नारी सौंदर्य अज्ञेय के लिए शुरू से अंत तक आकर्षण का केंद्र रहा है। उनका अधिकांश कवि व्यक्तित्व नारी सापेक्षता में ही विकसित और फलीभूत हुआ है। उनकी प्रेम भावना की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से हुई है, जहाँ प्रकृति के सहज चित्रों में यौन प्रतीकों का समावेश किया गया है। ऐसी कविताओं में यौन वर्जना से मुक्ति का भाव और अकुंठ प्रेमाभिव्यक्ति भी बहुत स्पष्ट रूप में हुई है। घिर गया है नब उमर आए मेघ काले, भूमि के कंपित उरोजों पर झुकासा, विशद श्वासाहत चिरातुर छा गया इंद्र का नील वक्ष, वज्रसा वह तड़ित सा झुलसा हुआ सा। प्रेम और सौंदर्य के चित्रण के लिए उन्होंने ज़्यादातर प्राकृतिक प्रतीकों और बिंबों को ही चुना है। इस दृष्टि से जब पपीहे ने पुकारा कि ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। जब पपीहे ने पुकारा मुझे दिखा दो पखुरियाँ झरी लाल गुलाब की, तकती पियासी पिया से ऊपर झुके उस फूल को ओठ ज्यों ओठों तले। अज्ञेय ने नक्षिक वर्णन भी किया है किंतु उनका नक्षिक वर्णन रीतिकालीन कवियों के वर्णन से काफ़ी अलग प्रकार का है। यहाँ उपमानों का संदर्भ और संबंध बदला हुआ है। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर ही से स्मरण में भी गंध देती है। अज्ञेय यह मानते हैं कि प्यार में पूर्णता और पूर्ण तृप्ति कभी नहीं होती, वैसे ही जिस प्रकार अभिव्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होती। इस बात को उन्होंने कन्हाई ने प्यार किया शीर्षक कविता में बहुत व्यवस्थित ढंग से कहा है। यह कविता रचना प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालती है। कन्हाई ने प्यार किया कितनी गोपियों से कितनी बार, पर उड़ेलते रहे अपना सारा दुलार
उस एक रूप पर जिसे कभी पाया नहीं, जो कभी हाथ आया नहीं। कभी किसी प्रेयसी में उसी को पा लिया होता तो दोबारा किसी को प्यार क्यों किया होता। कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार, पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं। किसी एक गीत में वह अंट गया दिखता तो कभी दूसरा गीत ही क्यों लिखता। अज्ञेय प्रेम में अहम और व्यक्तित्व का विलय सहजता तथा पूर्ण समर्पण की मांग करते हैं। यहाँ भाषा की जरूरत नहीं रह जाती। हरी घास पर क्षण भर में वह कहते हैं, चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकृतिस्थ तनो मत कटी छटी उस बाढ़ सरीखी, नमो खुल खिलो सहज मिलो, अंतः स्मित अंतः संयत हरी घास से। यहाँ प्रस्तुत प्रेम की विशेषता यह है कि यह बांधने के बजाय मुक्त करता है। प्रेम का क्षण कवि के लिए मुक्ति और स्वाधीनता का क्षण होता है। सांस का पुतला हूँ मैं, जरा से बंधा हूँ और मरण को दे दिया गया हूँ, पर एक जो प्यार है ना, उसी के द्वारा जीवन मुक्तमय किया गया हूँ। अज्ञेय के काव्य में जो दुखवाद है उससे भी मुक्ति और स्वातंत्र का संदेश मिलता है। इस दृष्टि से अज्ञेय की पहला दोंगरा शीर्षक कविता की निम्नलिखित बहुत चर्चित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। अज्ञेय की कविताओं में करुणा का भाव भी दिखाई पड़ता है। इसके पीछे संभवतः उनकी जन्मभूमि कुशीनगर, जो महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है, की विशेष भूमिका है। बौद्ध दर्शन में वर्णित अहिंसा और करुणा का अज्ञेय पर काफ़ी प्रभाव था। किसी को दुख न पहुंचाने का भाव उनकी कविताओं में बार बार झलकता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, फूल पत्ती, घास फूस सभी उनकी करुणा के पात्र हैं। उनकी एक कविता है सम्राज्ञी का नैवेद्य दान, जिसमें यह दिखाया गया है कि जापान की रानी कोमियो एक बुद्ध मंदिर में जाते समय असमंजस में पड़ गई थीं कि चढ़ाने को क्या ले जाएं, और फिर खाली हाथ चली गई थीं। इस कविता के केंद्र में सहज करुणा भाव के साथ ही प्रकृति के उपादानों की स्वतंत्रता और उनके अस्तित्व का सम्मान भी है। कविता शुरू होती है, हे महाबुद्ध मैं मंदिर में आई हूँ रीते हाथ, फूल मैं ला न सकी, औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता, जो मुझे सुनाती जीवन के विह्वल सुक्षण के गीत, खोलती रूप जगत के द्वार, जहाँ तेरी करुणा बुनती रहती है भव के सपनों क्षण के आनंदों के रह सूत्र अविराम, उस भोली मुग्धा को कंपती डाली से विलगा न सकी। इसलिए वह कहती हैं, जो कली खिलेगी जहाँ खिली, जो फूल जहाँ जो भी सुख है, जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पर्श अनाविल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। अज्ञेय मूलतः व्यक्ति स्वातंत्र के कवि हैं। वह उन सभी विचारों नियमों और वादों का विरोध करते हैं जो व्यक्ति के चिंतन उसके अधिकारों उसके अस्तित्व को किसी तरह बाधित और सीमित करते हैं। इसके लिए वह बार बार प्रतिबंधों से टकराते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी कविता में मुक्ति और स्वाधीनता का भाव व्यक्ति समाज और राष्ट्र कई स्तरों पर दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही यह कविता की अंतर्वस्तु और रूप दोनों में लक्षित होता है। अज्ञेय यह मानते हैं कि व्यक्ति समाज से अनिवार्य रूप से संबद्ध होते हुए भी अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है। इस इकाई की सत्ता
समाज द्वारा बाधित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उसकी सृजनात्मकता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए वह असहिष्णु और सांचे ढले समाज से मनुष्य की कुंठा रहित इकाई को बेहतर मानते हैं। इस प्रसंग में उनकी एक कविता अच्छा खंडित सत्य का एक अंश द्रष्टव्य है। अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, अच्छा अपना ठाट फकीरी मंगनी के सुख साज से। अज्ञेय अपनी कई कविताओं में व्यष्टि और समष्टि तथा वैयक्तिकता और निर्वैयक्तिकता के द्वंद्व में उलझे हुए से लगते हैं, लेकिन अंत में वह समष्टि या समूह के पक्ष में खड़े होते हैं। वह वैयक्तिकता से निर्वैयक्तिकता की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ वह व्यष्टि को समष्टि के लिए विसर्जित कर देते हैं। इस दृष्टि से यह दीप अकेला शीर्षक कविता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला विरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यह बात उनकी प्रसिद्ध कविता भीतर जागा दाता में भी दिखाई पड़ती है। इस कविता में अज्ञेय अपने समस्त अनुभव की पूंजी को अपने कवि के माध्यम से समाज को सौंप देते हैं। इसमें दाता कवि का वह अंतर्वर्ती मन है जो अनुभवों का संग्रह करता है। वह अपने व्यक्ति को यह समग्र अनुभव पुण्यदान करता है ताकि वह समाज के काम आ सके। इसमें मतियाया सागर, हरी भरी धरती, आकाश, प्रकृति का समूचा रूप सौंदर्य, श्रद्धा, हंसी, प्यार, तन्मयता सब शामिल है। इस कविता की आरंभिक पंक्तियां हैं, मतियाया सागर लहराया, तरंग की पंख युक्त वीणा पर पवन ने भर उमंग से गाया, फेन झालरदार मखमली चादर पर मचलती किरण अप्सराएं भारहीन पैरों से थिरकी, जल पर आलते की छाप छोड़ पल पल बदलती, दूर धुंधला किनारा झूम झूम आया डगमगाया किया। मेरे भीतर जागा दाता बोला, लो यह सागर मैंने तुम्हें दिया। इसी प्रकार आत्मदान और अहंग के विसर्जन से अज्ञेय की प्रसिद्ध लंबी कविता असाध्य वीड़ा का प्रियंबद वीड़ा को साधने में समर्थ हो पाता है। अज्ञेय के चिंतन पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। अस्तित्ववाद का उदय विश्वयुद्धों के गर्भ से हुआ था। इसके प्रवर्तक थे किर्केगार्ड, हैडिगर और शोपेनहावर। इसके प्रवक्ताओं में कार्ल यास्पर्स, ग्रेबियल, मार्सेल, काफ्का, डीएच लॉरेंस तथा सार्त्र इत्यादि थे। अस्तित्ववाद उन सारे मानदंडों का निषेध करता है जो मानवीय व्यक्तित्व की असीमित स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं। अस्तित्ववाद व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है और इससे प्रभावित व्यक्ति समाज या समूह को नकारने लगता है। इसी चिंतन के तहत अपने अपने अजनबी में अज्ञेय कहते हैं, दूसरे लोग हमारे नरक हैं, मानवों का साथ साथ जीना या अस्तित्व और यह साहचर्य एक लाचारी है, एक अभिशाप है। यह सोच व्यक्ति को इतना महत्व देती है कि वह समूह के विरुद्ध लगने लगता है। उदाहरण के लिए नदी के द्वीप की ये पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं, किंतु हम हैं द्वीप हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा ढहेंगे बह जाएंगे। अ
अज्ञेय ने आरंभ में छंदबद्ध कविताएं लिखी थीं। बाद में उन्होंने न केवल छंदों से मुक्ति पाई बल्कि अभिव्यक्ति की पुरानी पद्धतियाँ बिंबों प्रतीकों और उपमानों से भी मुक्ति प्राप्त की। पुराने शिल्प से यह मुक्ति स्वातंत्र की आकांक्षा का ही एक रूप है। अज्ञेय ने कविता की संरचना को लेकर नए प्रयोगों पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कविता की संरचना के बारे में मेरी धारणा औरों से भिन्न रही है। वह यह भी मानते हैं कि कविता की भाषा इकहरी नहीं होनी चाहिए। शब्द प्रयोग के प्रति भी उनकी कविताओं में एक तरह की असाधारण सजगता दिखाई देती है। उन्होंने पूर्ववर्ती काव्य परंपरा के समस्त काव्य उपमानों बिंबों और प्रतीकों को अस्वीकार करते हुए नए उपमानों की तलाश की। प्रयोगवादी रुझान के दौरान अज्ञेय को ऐसा लगा था कि अभिव्यक्ति की पुरानी प्रणाली हमारे आज के जीवन को समग्रता में व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। साथ ही पूर्ववर्ती अधिकांश उपमान बिंब व प्रतीक घिसते घिसते अपनी ताजगी और अर्थवत्ता खो चुके थे। इसलिए उन्होंने कविता में नए प्रयोगों पर विशेष बल दिया। प्रयोगों की दृष्टि से उनकी कलगी बाजरे की शीर्षक कविता अनूठी है, जिसमें वह अपनी प्रेमिका से कहते हैं, हरी बिछली घास दोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नबकी अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। अज्ञेय की कविताओं का अध्ययन करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनकी आरंभिक कविताएं विचार प्रधान हैं। उन विचारों में गहराई की अपेक्षा चमत्कृत करने की आकांक्षा अधिक थी। अज्ञेय की शुद्ध भाव प्रधान या लिरिकल कविताएं कुछ आगे चलकर मिलती हैं, जो बहुत अच्छी हैं। उनकी अधिकांश महत्वपूर्ण कविताएं विचार प्रधान हैं। अनेक कविताओं में चिंतन भावों के साथ इस प्रकार घुला मिला रहता है कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कवि चिंतन को प्रमुखता दे रहा है या भावों को। वह भाषा के प्रति अत्यंत सतर्क हैं और शब्दों के प्रयोग में अत्यंत मितव्ययी हैं, इसीलिए वे मौन को भी अभिव्यंजना मानते हैं।